ओम नमो नारायण मित्रों, एक बार फिर से आप सभी व्यक्तियों का स्वागत करते हैं अपने YouTube चैनल ओम नमो नारायण पर। मित्रों, आज के इस वीडियो के माध्यम से आपको यह जानकारी देने जा रहे हैं कि होली बहुत निकट है, बहुत करीब है। होली के ऑफर का इंतजार हमारे सभी दर्शकों को था। बहुत से दर्शकों ने हमें संदेश भेजे, बहुत से दर्शकों के हमें फोन कॉल प्राप्त हुए कि होली की अभी तक कोई सेल की वीडियो नहीं आई है, कोई ऑफर नहीं आई है, उसके लिए तुरंत एक वीडियो जारी करें, उसके लिए तुरंत एक ऑफर निकाला जाए। तो यह होली का ऑफर आप सभी व्यक्तियों के लिए हम लेकर आए हैं। जिस प्रकार हमेशा की तरह जो हमारे पुराने साथी हैं वह जानते हैं, हम हर त्योहार पर एक ऑफर, एक सेल आप सभी दर्शकों के लिए लेकर आते हैं, जिसका बुकिंग शुल्क केवल मात्र 501 रुपए रखा जाता है और बाकी का शुल्क आपको सिद्ध करने के पश्चात देना होता है। तो मित्रों, यह होली का ऑफर है। काफी लंबे समय से हम आपके बीच नहीं जुड़ पा रहे हैं, कुछ विशेष कार्य में व्यस्त होने के कारण, परंतु जब जब समय लगता है हम आपके समक्ष आने का प्रयास अवश्य करते हैं। उसी के साथ साथ आपको बता दें मित्रों कि जो भी व्यक्ति हमारे द्वारा होली की सामग्री खरीदारी करता है, वो चाहे 1 रुपए की हो, 100 रुपए की हो, 10,000 की हो, 5,000 की हो, किसी भी तरीके की कोई भी सामग्री हो, अगर वह खरीदता है तो उसका नाम एक कूपन के जरिए बॉक्स में डाला जाएगा और जब होली के दिन उस बॉक्स में से उसके नाम की पर्ची निकाली जाएगी तो चाहे वह किसी भी व्यक्ति का नाम आया हो, उस व्यक्ति को विशेष जो कंगन हमने स्वयं धारण किया हुआ है वह कंगन उस तक अवश्य पहुंचाया जाएगा और यह सब आपको एक वीडियो के जरिए अवश्य दिखाया जाएगा। तो मित्रों, उम्मीद करता हूँ प्रत्येक जानकारी आपको अवश्य समझ आई होगी और अब चलते हैं अपनी सामग्री की ओर बढ़ते हैं। एक एक करके सभी सामग्री को विस्तार से समझाते हैं कि कौन सी सामग्री किस कार्य में विशेष रूप में भाग लेने वाली है। और आप जो भी सामग्री हमारे द्वारा लेना चाहते हैं, हमारे व्हाट्सएप नंबर पर संपर्क करके उसकी बुकिंग करवा सकते हैं, ताकि होली की रात्रि वह सभी सामग्री आपके नाम से, आपके गोत्र से सिद्ध करके आप तक पहुंचाई जा सके। मित्रों, शुक्र दंत, इसके बारे में हर एक व्यक्ति जानता है, इसके फायदे के बारे में हर एक व्यक्ति जानता है, और जो व्यक्ति नहीं जानता वह इसके दिखावे से, इसके नाम से ही यह जान जाता है कि यह वस्तु किस कारण से धारण की जाती है। इसका अगर आप इतिहास जानने की कोशिश करेंगे तो चाहे आप इसको वशीकरण के कार्य में ले लीजिए, चाहे आप शत्रु से मुक्ति के लिए ले लीजिए, चाहे आप काले जादू से मुक्ति के लिए ले लीजिए, चाहे नजर दोष से मुक्ति के लिए ले लीजिए, चाहे किसी से मनचाहा कार्य निकलवाने के लिए ले लीजिए, और ऐसे अनेकों कार्य हैं जिस कार्य में शुक्र दंत का इस्तेमाल किया जाता है। शुक्र दंत एक सुअर के दांत को कहते हैं। यह जो आप देख रहे हैं यह सुअर के अगले दांतों में से होते हैं, जो हर एक व्यक्ति ने देखा होगा कि किस प्रकार से यह जंगली सुअर के दांतों से ही बनाया जाता है। और इसका कार्य केवल इतना होता है कि यह आपके प्रत्येक कार्य को सिद्ध करने में आपकी उस हद तक मदद करता है जिस हद तक आपका कोई संगी साथी मदद नहीं कर सकता, जिस हद तक आपका कोई अपना मदद नहीं कर सकता, उस हद तक यह शुक्रदंत आपके लिए अपनी भूमिका निभाता है। तो मित्रों, जो भी व्यक्ति हमारे द्वारा इस शुक्रदंत को प्राप्त करता है उसको सिद्ध करवा के ही भेजा जाता है, और इसको सिद्ध करने की विधि भी हमने एक वीडियो में बताई हुई है और किस प्रकार से इसको धारण किया जाता है। इसके साथ साथ यह पेपर पे लिखकर उस व्यक्ति तक पहुंचाया जाता है, ताकि उसको किसी भी प्रकार की कोई भी समस्या ना आ पाए कि वह इसको धारण कैसे करेगा और वह इसका कार्य कैसे करेगा। तो मित्रों, यह शुक्र दंत भी उम्र के हिसाब से धारण किया जाता है और कार्य के हिसाब से धारण किया जाता है। अगर आपका कोई ऐसा कार्य है कि दिन में हजारों बंदों से आपको मिलना होता है तो आप इस प्रकार का शुक्र दंत काले हकीक में धारण करें। और अगर आपको शनि से संबंधित दिक्कत भी है और शत्रुओं से संबंधित भी दिक्कत है तो आप एमिथिस्ट की माला में इसको धारण करें। अगर आप नजर दोष के लिए धारण करना चाहते हैं तो काली रुद्राक्ष की माला में धारण करें। डेली रूटीन के लिए पहनना चाहते हैं कि कोई आपको नजर ना लगे या आपको कोई टोक ना लगे या किसी भी प्रकार की कोई बुरी चीज आपको छुए ना, तो आप इस प्रकार के, यह जो शुक्रदंत आप देख रहे हैं, इस प्रकार का शुक्रदंत आप धारण कर सकते हैं, इसको धागे में भी धारण कर सकते हैं। तो मित्रों, अगर आप शुक्रदंत की सिद्धि हमारे द्वारा करवाना चाहते हैं तो बेझिझक हमारे नंबर पर संपर्क करके आप इसकी बुकिंग करवा सकते हैं। तो मित्रों, अब अगर बात करें बिल्ली की जेर के फायदों के बारे में, बिल्ली की जेर
हर व्यक्ति ने सुनी होगी, हर व्यक्ति ने देखी होगी। हमने बहुत सी अपनी वीडियो में यह भी आपको समझाने की कोशिश की है कि कौन सी जेर आपके लिए सही है, कौन सी जेर गलत है, किस प्रकार से आप जेर का चुनाव कर सकते हैं। यह प्रत्येक जानकारी हमने वीडियो में आपको बनाकर दे रखी है। और मित्रों, अब अगर इसके फायदे के बारे में बात करें तो बहुत से लोग यह भी कहते हैं कि सियार सिंगी और बिल्ली की जेर और हाथा जोड़ी में फर्क क्या है, उनके फायदों में फर्क क्या है। तो मित्रों, बिल्ली की जेर भी उसी प्रकार से कार्य आपका करती है जिस प्रकार से आपका कार्य सियार सिंगी करती है, परंतु इसमें केवल यही फर्क है कि बिल्ली की जेर आपकी एक ही रह जाएगी और सियार सिंगी धीरे धीरे में वृद्धि में आने लगेगी। सियार सिंगी के साथ आप हाथा जोड़ी को रख के अनेकों कार्य और भी कर सकते हैं, परंतु बिल्ली की जेर आपका एक ही कार्य करेगी और वो है केवल आपकी सेवा करना, आपकी तरक्की के मार्ग खोलना, आपके धन के मार्ग खोलना, आपको रंक से राजा बनाना। परंतु अगर शत्रुओं में विजय की बात करें तो शत्रुओं में विजय प्राप्त करवाएगी आपको सियार सिंगी या हाथा जोड़ी, और सियार सिंगी और हाथा जोड़ी को एक साथ भी रखा जा सकता है, इसकी भी संपूर्ण विधि हमने आपको बताई हुई है। तो मित्रों, अगर बिल्ली की जेर आप हमारे द्वारा प्राप्त करना चाहते हैं तो इसको भी हमारे माध्यम से प्राप्त कर सकते हैं। अब चलते हैं अपनी अगली वस्तु की ओर। यह है मित्रों शाही का काटा। मित्रों, अगर आपकी किसी से दुश्मनी है और आप चाहते हैं कि उसका उसके पड़ोसी से झगड़ा हो जाए या उसके घर में कलेश व आपसी मतभेद उत्पन्न हो जाए और वह पूरी तरह से बर्बाद हो जाए, तो ऐसे कार्यों में शाही का काटा अपनी पूरी शक्ति से कार्य करता है और कुछ समय में ही इसका असर दिखाई देने लगता है। अगर आप भी किसी व्यक्ति से किसी व्यक्ति की लड़ाई करवाना चाहते हैं, उसकी दुश्मनी पैदा करवाना चाहते हैं, तो यह शाही का काटा हमारे द्वारा सिद्ध करवाकर प्राप्त कर सकते हैं। और इसका इस्तेमाल किस प्रकार से किया जाएगा, यह पूर्ण विधि आपको साथ में लिखकर अवश्य आएगी। तो मित्रों, अब चलते हैं अपनी अगली वस्तु की ओर। उल्लू के नाखून, उल्लू का पंख और कौवे के पंख। मित्रों, अगली वस्तु पे हम जो बात करने वाले हैं वह यही वस्तु है। आपने हमारी एक वीडियो देखी होगी जिसमें हमने पूरी डिटेल से बताया है आपको कि किस प्रकार से आप उल्लू के नाखून को धारण कर सकते हैं, उसको सिद्ध कर सकते हैं और क्या क्या दिक्कतें जो है उससे दूर होती हैं, चाहे वह धन संबंधी हो, चाहे वह काले जादू से संबंधी हो, चाहे वह किए कराए से संबंधी हो। और ये जो नाखून आप देख रहे हैं यह बेहद छोटा नाखून है, केवल बच्चों के लिए। अगर कोई बच्चा रात्रि में डरता है, बुरे स्वप्न देखता है, रात में रोता है, तो उसको यह नाखून धारण करवाया जाता है ताकि उसको कोई भी दिक्कत परेशानी ना आ सके। और अगर बात करें उल्लू के पंख की, तो उल्लू के पंख द्वारा चाहे आप दो लोगों में लड़ाई करवाना लगा लीजिए, चाहे आप शत्रु का काम बर्बाद करना लगा लीजिए, चाहे आप खुद की सेफ्टी लगा लीजिए, चाहे शत्रु के लिए जो यंत्र हम बताते हैं उसमें बहुत से ऐसे यंत्र हैं जो उल्लू के पंख द्वारा बनाए जाते हैं या फिर कौवे के पंख द्वारा बनाए जाते हैं। तो मित्रों, यह तमाम चीजें आपकी जिंदगी में इतना आपका साथ देती हैं कि और कोई वस्तु इतना साथ आपका नहीं दे पाती है। और सरलता से इसका मिलना आसान नहीं है मित्रों, यह भी हमारे द्वारा बहुत मुश्किल से प्राप्त किए जाते हैं। बहुत से लोग कहते हैं कि आप इतना महंगा क्यों देते हैं, अगर आपको कहीं मिल जाए तो बताइए। इसको ढूंढने में बहुत मेहनत लगती है, कम से कम 2 दिन एक बंदे के लग जाते हैं जो इस पंख को ढूंढ कर लाते हैं। आखिर उनका भी रूटीन लगा लीजिए, उनका भी रोजगार लगा लीजिए, उनको भी हमने पैसे देने हैं और आपको सिद्ध भी करके देना है, तो इसका मूल्य मैं कोई ज्यादा नहीं समझता। साथ ही बात रही अगर इस प्रकार के नाखून की, तो यह नाखून किसी उल्लू को मार के प्राप्त नहीं किए जाते मित्रों। अगर आप किसी भी वस्तु को मार के प्राप्त करेंगे तो वह वस्तु आपका कार्य नहीं करेगी। जो स्वयं अपने प्राण त्याग देता है यह केवल उसी के द्वारा प्राप्त किए जाते हैं, और यह बहुत अनमोल चीज है, बहुत कम ही हमारे पास पहुंचती है। और अगर आप इसका लाभ लेना चाहते हैं तो बेझिझक इसे सिद्ध करवा के हमारे द्वारा प्राप्त कर सकते हैं। उसमें हम इसमें चांदी का लॉकेट बनवाकर दिया जाता है हमारे द्वारा, और किस प्रकार से इसको धारण करना है यह भी जानकारी उसी के साथ दी जाती है। तो मित्रों, उम्मीद करता हूं यह वस्तुएं भी समझ आ गई होंगी। अब बढ़ते हैं अपनी अगली वस्तु की ओर। वशीकरण काजल और वशीकरण तिलक। मित्रों, बहुत से व्यक्तियों ने इसके बारे में सुना होगा और बहुत से व्यक्तियों ने इसका प्रयोग भी किया होगा। हमने हरेक पर एक वीडियो बनाई हुई है कि इस तिलक को किस प्रकार हमारे द्वारा तैयार किया जाता है और इस काजल को हमारे द्वारा किस प्रकार तैयार किया जाता है। और बहुत से लोगों ने हमारे द्वारा इस काजल और इस तिलक को प्राप्त करके अपनी मनोकामनाएं पूर्ण की है, यानी जो वह चाहते थे वह उन्हें प्राप्त हुआ है। तो मित्रों, अगर आप किसी को आकर्षित करना चाहते हैं अपनी ओर,
आप किसी को यह चाहते हैं कि वह आपकी ओर अट्रैक्ट हो, चाहे वह दुकानदार है, किसी ग्राहक को अट्रैक्ट करना चाहता है या फिर किसी विशेष कार्य को निकलवाना चाहता है, तो वह इन दोनों में से किसी भी एक वस्तु को अवश्य आजमा सकता है। आप वशीकरण तिलक लगा सकते हैं। अगर आप तिलक नहीं लगाना चाहते तो आप वशीकरण काजल का उपयोग कर सकते हैं। ऐसे स्थान पर जहां पर आप बहुत से लोगों से मिलते हैं, अपनी बात को उनके समक्ष रखते हैं और वह आपकी बात को माने, आपकी बात को समझे, आपकी बात को सुने, तो उसके लिए आपको वशीकरण तिलक और वशीकरण काजल का उपयोग करना चाहिए। आप स्वयं देखेंगे कि जो लोग आपकी बात को पहले नकार देते थे, आपकी बातों में नहीं आते थे, आपकी बात नहीं सुनते थे, वह लोग भी आपकी बात को सुनने लगे हैं, वह लोग भी आपकी बात को मानने लगे हैं। और इसको लगाने की विधि, चाहे वह वशीकरण तिलक हो, चाहे वह वशीकरण काजल हो, इन दोनों को ही लगाने की विधि हम हमेशा लिख कर भेजते हैं। जब भी हम किसी को यह चीज भेजते हैं तो उसके साथ ही लिख कर भेजते हैं कि किस प्रकार से आपको इसका प्रयोग करना है। अगर किसी के साथ कोई मंत्र जाप है तो किस प्रकार से मंत्र बोलते हुए आपने इस तिलक को लगाना है या किस प्रकार से आपने उस मंत्र को बोलते हुए इस काजल को लगाना है, तो प्रत्येक जानकारी हमारे द्वारा लिख कर भेजी जाती है। अगर आप इन दोनों में से कोई भी एक वस्तु लेना चाहते हैं तो बेझिझक हमारे नंबर पर संपर्क करके हमसे यह वस्तु प्राप्त कर सकते हैं। अब चलते हैं मित्रों अपनी अगली वस्तु की ओर। तो मित्रों, अगर आप बात करें सियार सिंगी के लाभ के बारे में, सबसे पहला लाभ इसका यही है कि व्यक्ति की इच्छाएं अपने आप पूर्ण होने लगती हैं, अपने आप उसके मार्ग बनने लगते हैं, अपने आप उसके रास्ते बनने लगते हैं। सियार सिंगी व्यापार या नौकरी में उन्नति के लिए बहुत लाभदायक है। कई बार ईर्ष्या के कारण कुछ लोग तंत्र प्रयोग कर देते हैं जिससे दुकान में ग्राहक नहीं आते या कार्य सफल नहीं होते। ऐसे में सियार सिंगी जरूर रखे। इन परिस्थितियों में इनका प्रयोग राम बाण की तरह कार्य करता है। जिस व्यक्ति के पास यह होती है उसे किसी बात की कमी नहीं होती। इसे घर में रखने से सकारात्मक ऊर्जा का अनुभव होता है। यदि इसे हाथाजोड़ी के साथ रखा जाए तो यह बहुत शक्तिशाली हो जाती है और धन संपत्ति वशीकरण शत्रु शमन में व्यक्ति सशक्त हो जाता है। अगर प्रेमी या प्रेमिका का मन बदल गया हो, कोई अधिकारी आपके विरोध में कार्य कर रहा हो, परिवार में कोई सदस्य गलत रास्ते पर जा रहा हो, तो सियार सिंगी से वशीकरण प्रयोग करके उसका मन बदला जा सकता है। पति पत्नी में अगर कलह रहती हो तो वशीकरण से आपस में विवाद खत्म किए जा सकते हैं। मित्रों, क्या आपको हमेशा अजीब सा डर सताता रहता है, कभी अपने दुश्मनों का तो कभी किसी अनजान शक्ति का, या फिर ऐसा लगता है कि आपके दुश्मन आपका बुरा करने में लगे हैं और आप कुछ भी नहीं कर पा रहे हैं? ऐसे लोग इस विषय में सोचते सोचते काफी हद तक मानसिक रूप से कमजोर भी हो जाते हैं। यदि आपके साथ भी ऐसी समस्या है तो सियार सिंगी का प्रयोग करें। यदि आप लगातार कर्जों से परेशान हो चुके हैं, व्यवसाय में बाधा आ रही हो या किसी भी प्रकार में वृद्धि नहीं हो पा रही हो, तब भी आप उस सियार सिंगी की मदद लेकर अपने आप को कर्जों से उभार सकते हैं। तो मित्रों, इसको सिद्ध कैसे किया जाता है, इसको रखा कैसे जाता है, यह सभी के ऊपर हमारी एक वीडियो बनी हुई है। इसमें मैं आपको सिद्धि नहीं बताऊंगा, इसमें केवल मैं आपको फायदे बताऊंगा। सिद्धि की वीडियो आप हमारी देख सकते हैं, जो कि हमारे चैनल पर जाकर आपको अवश्य मिल जाएगी। तो अब बात करते हैं अगली वस्तु की, काला तिलक। मित्रों, बहुत से व्यक्तियों ने हमारे द्वारा इस काले तिलक को प्राप्त किया है और उनको लाभ ही लाभ मिला है। इस तिलक को किस प्रकार लगाते हैं, क्यों इस्तेमाल करते हैं, यह जान लीजिए। सबसे पहले, जिस व्यक्तियों को काले जादू का डर रहता है, जिस व्यक्तियों को रात में निंद्रा का डर रहता है, जिस व्यक्तियों को यह आभास रहता है कि रात में उनके पास कोई होता है या उनके आसपास कोई ऐसा काला साया रहता है, उनके लिए यह काला तिलक हमारे द्वारा बनाकर भेजा जाता है। इसकी विधि आज तक हमने किसी को नहीं बताई है, ना ही इसकी विधि आपको हम बताने वाले हैं। अगर आपको इस प्रकार का कोई डर है, आपको कोई काला साया परेशान कर रहा है, तो यह काला तिलक आप हमारे द्वारा प्राप्त कर सकते हैं। इस तिलक को लगाने की विधि आपको लिखित रूप में कोरियर के साथ ही भेजी जाती है, ताकि आप इस तिलक को आसानी से प्रयोग में ला सके। और यह काला तिलक ऐसा नहीं है कि काला हो जाएगा या दिखने में आपको काला लगेगा, ना ही ये लगने के बाद काला रहेगा, ना ही आपको बाद में कुछ कालापन दिखेगा। सिर्फ काला है तो इसका रंग है, परंतु लगने के बाद यह किसी भी प्रकार से काला नहीं रहता। मित्रों, आप यकीन मानिए, इसका इतना प्रभाव है कि बुरी शक्ति तो छोड़ो, कोई बुरी आत्मा भी आपके पास आने से खुद ब खुद डरेगी। इसको अभिमंत्रित हम स्वयं करते हैं, अपने हाथों करते हैं। इसकी विधि ना ही आज तक हमने यूट्यूब पे बताई है, ना ही किसी शिष्य को ज्ञान है।
आप इस काले तिलक को हमारे द्वारा अवश्य प्राप्त कर सकते हैं। अब बढ़ते हैं मित्रों अपनी अगली वस्तु की ओर। यह जो पोटली आप देख रहे हैं यह है लक्ष्मी पोटली। यह पोटली आपकी तिजोरी के लिए, आपके गल्ले के लिए बनाई जाती है। जिस भी तिजोरी में, जिस भी गल्ले में पैसा रुकता नहीं है, पैसा आता नहीं है या फिर खर्च बहुत जल्दी हो जाता है, किसी भी कारणवश अगर कोई पैसा आता भी है तो वह गलत कार्य में लग जाता है, तो मित्रों उस स्थान के लिए इस पोटली को अभिमंत्रित करके बनाया जाता है ताकि जो भी पैसा आपका आ रहा है वह अच्छे और नेक कार्य में लगे और आपके आय के रास्ते खुलते रहे। किसी भी प्रकार से अगर आपका पैसा बाजार में फंसा हुआ है तो वह जल्द से जल्द उसको निकालने के मार्ग प्रशस्त करे। इसके लिए इस पोटली को दीपावली की रात्रि ही सिद्ध किया जाता है और माँ लक्ष्मी के महामंत्र के द्वारा इसको उजागर किया जाता है। तो मित्रों अब बात करते हैं अपनी अगली वस्तु के बारे में। मित्रों अगर बात करें श्री यंत्र की, तो आपने बहुत सी जगह पर इस प्रकार से सोटेक का श्री यंत्र स्थापित हुए देखा होगा, इस प्रकार से ब्रास का श्री यंत्र स्थापित किए हुए देखा होगा, या फिर इस प्रकार से भोजपत्र पर अंकित श्री यंत्र को स्थापित किए हुए देखा होगा। अब अगर इसके फायदे के बारे में अगर मैं बात करूं, तो श्री यंत्र स्थापित करने से घर में लक्ष्मी का वास होता है और धन की कभी कमी नहीं होती। व्यक्ति को नौकरी में तरक्की मिलती है और धन का अभाव नहीं होता। शास्त्रों के अनुसार घर में श्री यंत्र स्थापित करने से वास्तु दोष दूर हो जाते हैं और घर में सकारात्मक ऊर्जा का वास होता है। घर में श्री यंत्र स्थापित करने से वैवाहिक जीवन सुखमय रहता है, पति पत्नी के रिश्तों में मिठास रहती है और परिवार में खुशहाली आती है। अगर घर में किसी का मन अशांत रहता है, एकाग्रता की कमी है, तो श्री यंत्र को स्थापित करने से एकाग्रता बढ़ती है, काम में मन लगने लगता है और सफलता अवश्य प्राप्त होती है। तो मित्रों अब बढ़ते हैं अपनी अगली वस्तु की ओर। बगला मुखी यंत्र। मित्रों देवी बगला मुखी 10 महाविद्याओं में से एक है। माँ बगला मुखी स्तंभव शक्ति की अधिदात्री मानी गई है। देवी अपने भक्तों के भय को दूर करती है, उसके साथ ही शत्रुओं और बुरी शक्तियों का भी नाश करती है। माँ बगला मुखी यंत्र को धार्मिक कार्यों में शुभ माना जाता है। धर्म शास्त्रों के अनुसार बगला मुखी यंत्र का प्रयोग करने से तुरंत लाभ प्राप्त होता है। ऐसा कहा जाता है कि इस यंत्र से भयंकर मुसीबतों से लड़ने की क्षमता होती है। कलयुग में बगला मुखी की साधना करने से जातक के सभी कार्य शीघ्र सिद्ध होने लगते हैं। इस यंत्र के मध्य में बिंदु पर देवी बगला मुखी का आवाहन किया जाता है और इसे पीताम्बरी विद्या भी कहते हैं। ऐसा माना जाता है कि बगला मुखी यंत्र उस स्थान को पवित्र करता है जहाँ इस यंत्र को स्थापित किया जाता है। इस यंत्र को पश्चिम और पूर्व दिशा में लगाना सर्वोत्तम माना गया है। बगला मुखी यंत्र का प्रभाव सूर्य की बढ़ती किरणों के साथ और बढ़ता है। इस यंत्र को अपने घर या कारोबार में स्थापित करने से सकारात्मक ऊर्जा का संचार होता है। इस यंत्र का सर्वोत्तम लाभ प्राप्त करने के लिए उचित स्थान पर स्थापित करना बहुत आवश्यक है, उसी के साथ साथ इसको सिद्ध करना भी बहुत आवश्यक है, और गलत स्थान पर स्थापित करने से आपको इस यंत्र का लाभ प्राप्त नहीं होगा। मित्रों बगला मुखी यंत्र को कैसे और कहां स्थापित किया जाता है यह हमारे द्वारा लिखकर भेजा जाता है, संपूर्ण विधि इसकी लिखकर भेजी जाती है। और इसी के साथ साथ अगर आप हल्दी की माला से माँ बगला मुखी के मंत्रों का जाप भी इसके सम्मुख करते हैं तो आप सोने पर सुहागे वाला काम करते हैं, इस बात का ध्यान रखिएगा मित्रों। तो मित्रों यह थी माँ बगला मुखी यंत्र की कहानी। अब बढ़ते हैं अपने अगले यंत्र की ओर। सुख समृद्धि यंत्र। मित्रों सुख समृद्धि यंत्र, इस यंत्र की पूजा करने से घर में सुख समृद्धि का निवास होता है तथा कभी धन धान्य की कमी नहीं होती। जिस घर के सदस्यों में निरंतर कलेश रहता हो तथा आपसी संबंधों में कटुता हो तो यह यंत्र उन लोगों के लिए वरदान स्वरूप साबित होता है। ऐसे लोगों के लिए इस यंत्र की पूजा उपासना करने से उन्हें मानसिक शांति मिलती है। इस यंत्र की चल व अचल दोनों तरह से प्रतिष्ठा होती है। इस यंत्र के सामने लक्ष्मी और गणेश का संपुटित मंत्र जप करने से सुख समृद्धि प्राप्त होती है तथा यदि घर में कलेश रहता हो तो वह भी समाप्त हो जाता है। इस यंत्र के प्रभाव से अगर बाहर के किसी व्यक्ति द्वारा कोई कलेश किया जाता है तो वह भी समाप्त हो जाता है, यानी उससे भी आपके घर का कोई भी सदस्य अगर जुड़ा हुआ है तो वह दूरी बनाने लगता है। आप खुद देख सकते हैं यह यंत्र भी हमारे द्वारा भोजपत्र पर अंकित है, कोई मशीनी यंत्र नहीं है।
क्योंकि भोजपत्र एक ऐसी चीज है जिस पर अगर किसी यंत्र को अंकित किया जाता है तो वह अपना प्रभाव 2 गुना 10 गुना 100 गुना तक दिखाने लगता है अगर उसको नित्य धूप दीप दिखाया जाए और उसके नित्य पूजा की जाए। तो मित्रों अब बढ़ते हैं अपने अगले यंत्र की ओर। मित्रों अगर बात करें गोमती चक्र की, तो यदि किसी व्यक्ति या बच्चे को बार बार नजर लग जाती है तो वह किसी निर्जन स्थान पर जाकर 3 गोमती चक्रों को अपने ऊपर से 7 बार उतार कर अपने पीछे फेंक दे और पीछे मुड़कर ना देखे। इस क्रिया को करने से कभी नजर दोष उसको दोबारा नहीं होता। यदि आपको निरंतर आर्थिक हानि उठानी पड़ रही है तो प्रथम सोमवार को 11 अभिमंत्रित गोमती चक्रों का हल्दी से तिलक करें और शंकर जी का ध्यान करके पीले कपड़े में बांधकर पूरे घर में घुमाकर किसी बहते हुए जल में प्रवाहित कर दें। ऐसा करने से कुछ समय पश्चात ही आपको लाभ होने लगता है। मित्रों यदि कोई बच्चा शीघ्र ही डर जाता है तो प्रथम मंगलवार को अभिमंत्रित गोमती चक्र पर हनुमान जी के दाएं कंधे का सिंदूर लेकर तिलक कर दें और किसी लाल कपड़े में बांधकर बच्चे के गले में पहना दें। बच्चे का डरना उसी क्षण समाप्त हो जाएगा। यदि आपके व्यवसाय में किसी की नजर लग जाती है तो 11 अभिमंत्रित गोमती चक्र और 3 छोटे नारियल को पूजा करने के बाद पीले वस्त्र में बांधकर मुख्य द्वार पर लटका दें। इसके बाद आपके व्यवसाय को कभी नजर नहीं लगेगी। मित्रों यदि आपके हाथों में खर्च अधिक होता है तो प्रथम शुक्रवार को 11 अभिमंत्रित गोमती चक्रों को पीले कपड़े पर रखकर माँ लक्ष्मी का स्मरण करके विधिवत पूजन करें और दूसरे दिन उनमें से 4 गोमती चक्र उठाकर घर के चारों कोनों में एक एक करके दबा दें और 3 गोमती चक्र को लाल वस्त्र में बांधकर धन रखने के स्थान पर रख दें और 3 चक्रों को पूजा स्थल में रख दें। शेष बचे 1 चक्र को किसी मंदिर में अपनी समस्या निवेदन के साथ भगवान को अर्पित कर दें। यह प्रयोग करने से कुछ समय में ही लाभ दिखने लगता है। अगर आप अपने बच्चों को पहनाना चाहते हैं तो इस प्रकार का गोमती चक्र पहनाएं, जिस प्रकार का मैंने आपको बताया था कि बच्चों के गले में बांध दें, तो इस प्रकार का गोमती चक्र उनको पहनाना चाहिए नजर दोष से बचने के लिए। अगर आप अभिमंत्रित गोमती चक्र हमारे द्वारा प्राप्त करना चाहते हैं तो बेझिझक अभी अपने बुकिंग करवा सकते हैं। अब चलते हैं अपनी अगली वस्तु की ओर। मित्रों भारतीय ज्योतिष शास्त्र के अनुसार सटीक को शुक्र ग्रह से संबंधित माना जाता है। यदि कुंडली में शुक्र ग्रह दोष हो तो चांदी की अंगूठी में या तो क्रिस्टल नग पहना जाता है या फिर क्रिस्टल की माला धारण की जाती है। इस माला को चंद्र ग्रहण के समय, होली के समय या दीपावली के समय लक्ष्मी जी के मंत्रों द्वारा सिद्ध किया जाता है। अगर ऐसी माला को गले में पहना जाता है तो निश्चित रूप से महालक्ष्मी की विशेष कृपा प्राप्त होती है। इसे शुक्रवार के दिन धारण करना बहुत शुभ माना जाता है। स्फटिक की माला धारण करने से किसी भी भय से मुक्ति मिलती है। जीवन में सुख समृद्धि का वास होता है, मन शांत रहता है। वास्तु शास्त्र के अनुसार स्फटिक धारण करने से धन संपत्ति और यश प्राप्त होता है। स्फटिक माला धारण करने के बाद किसी भी मंत्र का जाप करें अगर आप, तो वह शीघ्र अति शीघ्र सिद्ध होता है। स्फटिक धारण करने से धन की देवी माँ लक्ष्मी का आशीर्वाद प्राप्त होता है और शुक्र ग्रह दोष भी दूर होता है, जिससे आर्थिक संकट दूर होते हैं और घर में सकारात्मक ऊर्जा का संचार होता है। तो मित्रों यह थी बात स्फटिक की माला की। अब बात करते हैं अपनी अगली माला की। तो मित्रों माता लक्ष्मी की उपासना के लिए कमल गट्टे की माला शुभ मानी गई है। इसको धारण करने से लक्ष्मी की विशेष कृपा प्राप्त होती है। मित्रों इस माला को धारण करने वाला शत्रुओं पर विजय प्राप्त करता है। इस माला से कालिका माता की पूजा करने से वह जल्दी प्रसन्न होती है। माँ काली की उपासना के लिए काली हल्दी या फिर नील कमल की माला का प्रयोग करना चाहिए। मित्रों अक्षय तृतीया, दीपावली, होली या फिर अक्षय नवमी के दिन इस माला से कनक धारा स्त्रोत का जाप करने वाले को धन लाभ के अवसर प्राप्त होते हैं। कमल गट्टे के 108 बीज को घी में भिगोकर उसका 108 बार आहुति देने से गरीबी मिट जाती है। कुछ लोग लगातार 21 दिन तक ऐसा करते हैं तो कुछ लोग इसमें शहद मिलाकर भी हवन करते हैं। तो मित्रों किसी दुकान या ऑफिस में कमल गट्टे की माला बिछाकर उसके ऊपर माँ लक्ष्मी का चित्र रखकर पूजा करने से व्यापार में दिन रात तरक्की होती है। तो मित्रों
ऐसे बहुत से मंत्र भी है माँ लक्ष्मी के जो इसके द्वारा जपे जाते हैं। तो अगर आप इस प्रकार की माला हमारे द्वारा प्राप्त करना चाहते हैं सिद्ध करवा के, तो बेझिझक हमारे द्वारा इसको प्राप्त कर सकते हैं। अब बढ़ते हैं अपनी अगली वस्तु की ओर। तो मित्रों, बात करें अगर नरमुंड माला की, तो भगवान शिव का महाकाल स्वरूप जिनका निवास स्थान शमशान में माना गया है, वह ही अपने गले में नरमुंड माला धारण करते हैं। सिद्ध नरमुंड माला का प्रयोग तांत्रिक और अघोरी क्रियाओं में किया जाता है। शमशान में सिद्ध नरमुंड माला का प्रयोग होता है जिससे शत्रुओं को नष्ट किया जा सके। सिद्ध नरमुंड माला का उपयोग तांत्रिक ग्रंथों के अनुसार मारण प्रयोग में किया जाता है। यह सिद्ध नरमुंड माला शत्रु को नष्ट करने के काम में आती है। यदि आपके जीवन में शत्रु बहुत परेशान कर रहे हैं, आपको नष्ट करने के लिए लगे हैं, आपके घर परिवार को नष्ट करने का प्रयत्न करते हैं, जमीन जायदाद हड़पने का काम करते हैं, और आपको लगे कि अब पानी सर से ऊपर चला गया है, तो शत्रु को मारण करने के लिए इस माला का प्रयोग किया जाता है। मित्रों, अगर बात करें कि इसको धारण अगर आप करना चाहते हैं तो धारण कब करें, तो मित्रों शनिवार की शाम को 6 बजे से 10 बजे के बीच आप किसी ऐसे स्थान पर बैठ जाएं जहां पर आपको कोई छेड़े नहीं। वहां पर लाल वस्त्र के ऊपर सिद्ध नरमुंड माला को रखें और एक तेल का दीपक जलाएं, और जो मंत्र मैं आपको बताने जा रहा हूं उस मंत्र को बोलते हुए 108 बार इसके ऊपर चावल चढ़ाएं, उसके बाद अपने गले में धारण कर सकते हैं। मंत्र इस प्रकार है मित्रों, ओम तत्पुरुषाय विद्महे महादेवाय धीमहि तन्नो रुद्र प्रचोदयात्। इस प्रकार से इसको जागृत किया जाता है, और इसके लाभ तो आप जान ही चुके हैं कि कोई भी शत्रु आपके निकट नहीं आ सकता। इसी के साथ साथ मित्रों, इसको धारण करने से नरमुंड माला के प्रभाव से शनि ग्रह का प्रकोप भी शांत हो जाता है, क्योंकि शनि देव शिव भगवान के शिष्य माने गए हैं। इस माला को धारण करने वाले व्यक्ति को शिव सुरक्षा प्रदान करते हैं। यदि किसी की जन्म कुंडली में शुक्र ग्रह खराब है, तो उस जातक को जीवन में सुख सुविधाएं का सुख ना के बराबर प्राप्त होता है। जीवन में एक प्रकार से दरिद्रता आने लगती है, इसीलिए शुक्र घर का मजबूत करने के लिए नरमुंड माला धारण की जाती है। ये माला कुंडली में बैठे अशुभ ग्रहों के दोषों को भी नष्ट करने में सक्षम है। और सिद्ध नरमुंड माला को धारण करने वाले व्यक्ति पर माँ काली का विशेष आशीर्वाद प्राप्त होता है, क्योंकि काल की पत्नी को महाकाली कहा गया है। महाकाली भी अपने गले में सिद्ध नरमुंड माला को धारण करती है, इसीलिए जो भक्त माँ काली में श्रद्धा रखता है वह इस माला को धारण करे, इसका लाभ उसे स्वयं प्राप्त होगा। इस माला को धारण करने से शत्रु से रक्षा मिलती है और शत्रु अपने आप परास्त होते हैं। तो मित्रों, अब बढ़ते हैं अपनी अगली वस्तु की ओर। तो मित्रों, अगर बात करें हल्दी की माला की, हल्दी की माला भगवान विष्णु को भी प्रिय है। इस माला से उनके मंत्रों का जाप करने से वह प्रसन्न होते हैं। मित्रों, बृहस्पति ग्रह की शुभता बढ़ाने के लिए भी हल्दी की माला अवश्य प्रयोग में लाई जाती है। बृहस्पति ग्रह के मंत्रों का जाप करने के लिए भी हल्दी की माला का उपयोग किया जाता है। इस माला से यदि बगलामुखी मंत्र का जाप करते हैं तो शत्रु बाधा निवारण होती है। गणेश जी के मंत्रों का जाप करते हैं तो सभी तरह के कष्ट मिटते हैं और नौकरी और व्यवसाय के लाभ होते हैं। मित्रों, हल्दी की माला विशेषकर धनु और मीन राशि वाले जातकों के लिए उपयोगी मानी जाती है। मित्रों, हल्दी की माला धन और कामना पूर्ति और आरोग्यता के लिए श्रेष्ठ है। ऐसा माना जाता है कि पीलिया से पीड़ित व्यक्ति को हल्दी की माला पहनाने से उसका पीलिया समाप्त हो जाता है। मानसिक परेशानी से मुक्ति पाने हेतु गुरुवार के दिन हल्दी की गांठ की माला पहननी चाहिए। सफलता प्राप्ति में कोई रुकावट आ रही है तो हल्दी की माला धारण करनी चाहिए। विवाह में बाधा उत्पन्न हो रही है तो गुरुवार के दिन हल्दी की गांठ की माला धारण करनी चाहिए। यदि कुंडली में नीच का गुरु है तो भी हल्दी की माला धारण करनी चाहिए। तो इस प्रकार से मित्रों, हल्दी की माला के बहुत से लाभ है। हम खुद इस माला से जाप करते हैं। अगर आप भी इस प्रकार की माला हमारे द्वारा लेना चाहते हैं तो वह प्राप्त कर सकते हैं। अब चलते हैं अपनी अगली वस्तु की ओर। तो मित्रों, इस खास अवसर पर आप 1 से लेकर 12 मुखी तक रुद्राक्ष और 1 से लेकर 12 मुखी तक रुद्राक्ष की माला भी हमारे द्वारा सिद्ध करवाकर प्राप्त कर सकते हैं। अब अगर बात करें काली रुद्राक्ष माला और नॉर्मल रुद्राक्ष माला के बारे में। काली रुद्राक्ष माला, तो मित्रों बहुत से लोग यह जानना चाहते थे कि काली रुद्राक्ष माला के फायदे क्या होते हैं, यह रुद्राक्ष माला क्यों धारण की जाती है, इसके आखिर लाभ है क्या। और ये जो काली रुद्राक्ष माला है, बहुत सी माला मैं आपको बता दूं,
आजकल बाजार में आपने देखा होगा काली रुद्राक्ष माला बहुत सस्ते दामों पर भी मिल रही है, क्योंकि वह उसको केवल रंग करके बेच रहे हैं। इसके साथ आपको सर्टिफिकेट भी मिलता है अगर आप इस प्रकार की माला हमारे द्वारा खरीदते हैं। तो मित्रों, काली रुद्राक्ष माला के अगर फायदे की मैं बात करूं, तो आपने ऐसी रुद्राक्ष माला भी बहुत सी देखी होंगी, हर व्यक्ति देखता है इस प्रकार की रुद्राक्ष माला। इन दोनों के ही फायदे मैं आपको एक ही बार में बता देता हूँ। सबसे पहले बात करते हैं काली रुद्राक्ष माला की। तो मित्रों, काली रुद्राक्ष माला धारण करने से पंच देवों की कृपा बरसती है। अगर बृहस्पति कमजोर हो तो काली रुद्राक्ष माला जरूर धारण करनी चाहिए। मित्रों, अगर आप भगवान भैरव के मंत्र का जाप करना चाहते हैं तो काली रुद्राक्ष माला से अवश्य कर सकते हैं। काली रुद्राक्ष माला की सहायता से ब्लड प्रेशर तक की परेशानियों को दूर किया जा सकता है। काली रुद्राक्ष माला मानसिक परेशानियों को भी दूर करती है। काले रुद्राक्ष को भगवान शिव का अवतार माना जाता है। जो व्यक्ति काला रुद्राक्ष पहनता है उसके पास हमेशा अच्छा स्वास्थ्य होता है, वह सभी का सम्मान करता है। इस रुद्राक्ष माला से किसी के भी शरीर को आकर्षित करने में आप स्वयं सक्षम होते हैं। मित्रों, काले रुद्राक्ष को सौभाग्य, अच्छे स्वास्थ्य, समृद्धि, चिकित्सा मूल्य, सफलता, वित्तीय लाभ और बुरी ताकतों के अनुमूलन के स्रोत के रूप में पूजा जाता है। तो अगर आप इस प्रकार की माला को सिद्ध करवा कर लेना चाहते हैं तो बेझिझक हमारे द्वारा ले सकते हैं। अब अगर बात करें इस प्रकार की रुद्राक्ष माला की, जो हर व्यक्ति जानता है, जो हर व्यक्ति देखता है, इससे भी एक बारीक दाने आते हैं मित्रों, उसको गले में धारण किया जाता है, परंतु इस माला से केवल आप जाप कर सकते हैं इस प्रकार का। तो अब अगर इस प्रकार के रुद्राक्ष की माला के लाभ के बारे में बात करूं, तो रुद्राक्ष की माला पहने हुए आपने बड़े बड़े ज्योतिष और पंडितों को जरूर देखा होगा, क्योंकि इसका सनातन धर्म में एक विशेष महत्व है। इसको पहनने से अकाल मृत्यु और शत्रु की बाधा से दूरी मिलती है। मित्रों, इस माला को सोमवार, पूर्णिमा या अमावस्या के दिन पहनना अच्छा होता है। वहीं इस माला को 1, 27, 54 या फिर 108 की संख्या में धारण करना चाहिए। इसको अगर आप किसी धातु के साथ पहनते हैं तो लाभ दो गुने हो जाते हैं। इसकी माला को सोने और चांदी में भी पहनना बहुत शुभ माना जाता है। तो अब चलते हैं अपनी अगली वस्तु की ओर। मित्रों, नवरत्न माला एक महत्वपूर्ण माला है। इस माला से जन्म कुंडली के त्रिकोण राशि से बने राजयोग कारक ग्रह सक्रिय होते हैं, जो मनुष्य की रक्षा करते हैं, उसे बल, वीर्य, साहस, शक्ति, आरोग्य प्रदान करते हैं। नवग्रह की माला को धारण करने से नवग्रहों की शांति होती है। चाहे कोई भी ग्रह हो, यदि कोई भी ग्रह आपकी कुंडली में अशुभ फल दे रहा है तो आप नवग्रह माला को धारण करिए, यह आपके प्रत्येक ग्रह को शांत करेगी। नवग्रह माला से किसी भी असाध्य रोग के प्रभाव को कम किया जा सकता है, चाहे वह रोग कैसा भी हो। यदि लगातार परिश्रम के बाद भी व्यापार में घाटा ही घाटा हो रहा है, किसी भी काम में मन नहीं लग रहा है, तो विवाह में देरी हो रही है, नवग्रह माला को आपको तुरंत ही धारण कर लेना चाहिए। आपका प्रत्येक ग्रह, चाहे कोई भी ग्रह आपके अनुकूल ना चल रहा हो, वह भी आपके अनुकूल चलने लगता है। तो मित्रों, यह थी नवरत्न माला की बात। अब बात करते हैं अपनी अगली माला की। मित्रों, यह माला आपके आसपास की नेगेटिव एनर्जी को दूर करती है। इस माला का संबंध शनि और गुरु ग्रह से होता है, तथा इसके अशुभ प्रभाव को कम करने और शुभ फलों की प्राप्ति के लिए इस माला को धारण किया जाता है। बुरे सपने या अदृश्य शक्तियों का डर आपके मन में हमेशा बना रहता है तो टाइगर आई माला जरूर धारण करनी चाहिए। ऐसा करने से अदृश्य शक्ति का डर या बुरे सपनों से धारणकर्ता को निजात मिलती है। इस माला के प्रभाव से जातक के अंदर उत्साह बढ़ता है तथा अपने लक्ष्य को प्राप्त करने की क्षमता बढ़ती है। इस माला को धारण करने से शादी में आने वाली रुकावटें अपने आप समाप्त होने लगती हैं और जातक बहुत ही जल्दी विवाह के बंधन में बन जाता है। संतानहीन दंपत्ति को संतान सुख की प्राप्ति के लिए इस माला को अवश्य धारण करना चाहिए। इस माला में वह शक्ति है जो काम काज में सफलता प्रदान करती है, दिमाग में नए नए आइडिया को उत्पन्न करती है। जो व्यक्ति लीडरशिप में सही प्रदर्शन नहीं कर पाता, उसे यह माला अवश्य धारण करनी चाहिए। कर्ज के दलदल में फंसे लोग भी इस माला को धारण कर सकते हैं, ताकि वह अपने कर्ज को जल्द से जल्द उतार सके। तो मित्रों, यह थी बात टाइगर आई माला की। अब बात करते हैं अपनी अगली वस्तु की। मित्रों, यह जो ताबीज आप देख रहे हैं, यह विशेष कार्य के लिए सिद्ध किए जाते हैं,
जिस प्रकार से अगर आप जुआ सट्टा खेलते हैं उसके लिए एक ताबीज हमारे द्वारा सिद्ध करके दिया जाता है, और अगर आप भूत बाधा से परेशान है तो भूत बाधा को दूर करने के लिए एक ताबीज हमारे द्वारा सिद्ध करके दिया जाता है। अगर आप बीमारियों से परेशान है, बहुत सी बीमारियां आपके घर में प्रवेश कर चुकी हैं, तो उसके लिए भी ताबीज दिया जाता है। अगर आप अपने बच्चे की पढ़ाई को लेकर परेशान है, आपका बच्चा आपकी बात नहीं मानता, उस चीज को लेकर परेशान है, तो उसके लिए भी ताबीज हमारे द्वारा सिद्ध करके दिया जाता है। अगर सर्वजन सम्मोहन आप करना चाहते हैं, बहुत से लोगों से आपका मिलना होता है, हर व्यक्ति आपकी बात सुने, आपकी बात माने, आपकी बात समझे, उसके लिए अगर आप हमारे द्वारा ताबीज लेना चाहते हैं तो वह भी ताबीज हमारे द्वारा सिद्ध करके आपको अवश्य दिया जाता है। तो मित्रों आप बढ़ते हैं अपनी अगली वस्तु की ओर। तो मित्रों अगर बात करें घोड़े की नाल की, तो सबसे पहले तो शनि दोष के लिए बहुत अच्छी चीज मानी गई है। अगर जातक की कुंडली में शनि दोष है तो जिस बेड में आप सोते हैं उसमें घोड़े की नाल टांग दें। इसके अलावा आप घोड़े की नाल से बना हुआ छल्ला बीच की उंगली में पहन सकते हैं, इससे भी आपको लाभ मिलेगा और शनि दोष से मुक्ति मिलेगी। अब अगर बात करें, कई लोगों के आपने घर पे लगी हुई देखी होगी यह घोड़े की नाल, तो मित्रों अगर घर में नकारात्मक ऊर्जा का वास है, इसके साथ ही वास्तु दोष के कारण किसी न किसी समस्या में फंसते रहते हैं, तो घोड़े की नाल को अपने ऑफिस में, अपने बिजनेस में या फिर अपने घर के मुख्य द्वार में टांग सकते हैं, इससे आपको कारोबार में भी लाभ मिलेगा। अब बहुत से लोगों के करियर में सफलता नहीं मिलती। अगर छात्र का पढ़ाई में मन नहीं लग रहा है तो करियर में आगे बढ़ने में कोई ना कोई समस्या आ रही है, तो घोड़े की नाल से बने छल्ले को बीच या फिर मध्यमा उंगली में शनिवार के दिन पहनना चाहिए। और अगर किसी को बीमारी लगी हुई है, अगर घर का कोई ना कोई सदस्य बीमार पड़ा रहता है, तो घोड़े की नाल से बनी हुई 4 कील, 1.25 किलो उड़द की दाल और 1 सूखा नारियल लेकर रोगी अपने ऊपर से उतारकर बहती हुई नदी में प्रवाहित कर दे, इससे उसकी बीमारी तुरंत ठीक हो जाती है। अगर आप धन लाभ करवाना चाहते हैं घोड़े की नाल की मदद से, तो ज्योतिष शास्त्र के अनुसार घोड़े की नाल को सही मुहूर्त में सिद्ध अभिमंत्रित करके अपनी तिजोरी में रख दीजिए। आप खुद देखेंगे कि आपके पैसे पे, आपकी धन दौलत पे कभी किसी प्रकार की कोई नजर नहीं लगेगी और आपके लाभ ही लाभ के मार्ग खुलते चले जाएंगे। और मित्रों इसकी नाल को सिद्ध कैसे करते हैं, इस पे हमने एक पूरी वीडियो बनाई हुई है, हर एक वीडियो का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा और साथ ही साथ आप हमारे चैनल पर जाकर भी इसको देख सकते हैं। तो अब बात करते हैं अपनी अगली वस्तु के बारे में। तो मित्रों अगर अष्ट भैरव कंगन की जानकारी के बारे में बात करें, तो सबसे पहला भैरव होता है असीतांग भैरव, दूसरे भैरव होते हैं रूरू भैरव, तीसरे भैरव है चंद्र भैरव, चौथे भैरव है क्रोध भैरव, पांचवे भैरव है उन्मत भैरव, छठे भैरव है कपाली भैरव, सातवें भैरव है भीषण भैरव, आठवें भैरव है संहार भैरव। मित्रों अगर इसके फायदे के बारे में बात करें, तो यह शक्तिशाली मंत्र जब अहंकार, घृणा, काम, क्रोध, विलंब और लोभ जैसे आंतरिक शत्रुओं का नाश करते हैं। इन सभी भैरवों के नेता काल भैरव है, जो समय के देवता है, और यह उन्हें भी प्रसन्न करते हैं। इसीलिए वह भक्तों को व्यवसायिक लाभ, व्यवसाय में वृद्धि और भौतिक सुख सुविधाओं को प्राप्त करने के लिए एक अच्छा समय देते हैं। यह तनाव को दूर करने में मदद करता है और किसी भी प्रकार के जादू टोने से आपको हमेशा के लिए दूर रखता है, चाहे किसी भी प्रकार का किया कराया क्यों ना हो। अष्ट भैरव कंगन को धारण करने के बाद किसी भी प्रकार का किया कराया ज्यादा लंबे समय तक टिक नहीं पाता, और चाहे आपका शत्रु आपके लिए कितना ही कुछ बुरा क्यों ना सोच रहा हो, अगर आपने अष्ट भैरव कंगन को धारण किया हुआ है तो आप इस बात की फिक्र करना छोड़ दीजिए कि आपका कोई कुछ बिगाड़ सकता है या आपको कोई मौत के मुंह में छोड़ के आ सकता है, इस बात की फिक्र आप करना ही छोड़ दीजिए। और यह कंगन खास दीपावली की रात्रि के लिए तैयार किए गए हैं, ताकि दीपावली की रात्रि इनको अभिमंत्रित करके उन व्यक्तियों तक पहुंचाया जा सके जिन व्यक्तियों को इसकी बहुत ज्यादा जरूरत है। तो मित्रों अब चलते हैं अपनी अगली वस्तु की ओर। असली प्राचीन 52 वीर कंगन। मित्रों इस कंगन के तो क्या ही कहने हैं। इस कंगन की अगर बात करें, तो यह अष्ट धातु से तैयार किया जाता है, और यह कंगन एक वही कंगन है जिसपे महावीर की कृपा पहुंचती ही नहीं बरसती है। मित्रों इसको सिद्ध करने में बहुत समय लगता है, कम से कम 41 दिन की इसकी विधि रहती है इसको सिद्ध करने के लिए।
अगर बात करें इसकी सिद्धि की तो हमने एक पूरी वीडियो इसकी बनाई हुई है कि किस प्रकार से इसको सिद्ध किया जाता है, कौन कौन से मंत्रों का उपयोग किया जाता है, क्या क्या वह विधि रहती है। और यह जो आप अंकित देख रहे हैं इसके ऊपर यह वीर छपे हुए हैं, इन सभी वीरों को जागृत किया जाता है। अभी यह कंगन जो है वह जागृत नहीं है, परंतु होली के समय में इसको जागृत किया जाएगा और इसको सिद्ध तांत्रिकों द्वारा या फिर इस प्रकार के कर्म करने द्वारा पहना जाता है। अगर आप इसको धारण नहीं करना चाहते तो आप इस कंगन को जागृत करके अपने मंदिर में इसको स्थान दे सकते हैं। उसके बाद आप स्वयं देखिए यह कंगन आपके किस प्रकार से कार्य निकलवा निकलवा कर लाता है। आप इसको एक बार कह के देखिए, एक बार इसको आदेश लगा कर देखिए, आपका आदेश इसके लिए पत्थर की लकीर होती है और उसको यह सिद्ध करके ही वापिस आता है। तो मित्रों, इसके बारे में अगर पूर्ण जानकारी लेना चाहते हैं तो हमने एक वीडियो इसकी बनाई हुई है, वह वीडियो आप हमारी जाकर देख सकते हैं, हमारे चैनल पर आपको अवश्य मिल जाएगी कि 52 वीर कंगन को किस प्रकार से जागृत किया जाता है, किस प्रकार से धारण किया जाता है। तो अब बढ़ते हैं अपनी अगली वस्तु की ओर। मित्रों, अगली वस्तु है गोलोचन। गोरोचन के बहुत से फायदे हैं, गोरोचन के बहुत से उपयोग भी हैं, जिनमें से सबसे ज्यादा प्रसिद्ध प्रयोग वशीकरण का है। यदि आप अपने आकर्षण के प्रभाव में वृद्धि करना चाहते हैं तो आप इसका उपयोग कर सकते हैं। यदि आप किसी स्त्री या फिर किसी पुरुष को अपने वशीभूत करना चाहते हैं तो गोरोचन के साथ सिंदूर और केसर को बराबर मात्रा में मिलाकर एक चांदी की डबिया में भरकर रख लीजिए। रोज सूर्योदय के समय इसका तिलक करने से आपके वशीकरण के प्रभाव में जबरदस्त तरीके से वृद्धि होगी। आर्थिक स्थिति सुधारने और धन धान्य की प्राप्ति के लिए गोरोचन को एक चांदी की डबिया में भरकर अपने पूजा स्थान पर रख लीजिए और रोज देवी देवताओं की तरह इसकी भी पूजा कीजिए। इससे घर में बरकत हो सकती है और घर में अगर कोई वास्तु दोष हो तो वो भी दूर हो जाता है। इससे घर में पॉजिटिव ऊर्जा का प्रभाव होता है। घर में कोई भी सदस्य बीमार है तो रविवार या मंगलवार के दिन एक छोटा चम्मच गुलाब जल में थोड़ा सा गोरोचन मिलाकर उस व्यक्ति को पिला दें। गोरोचन का तिलक प्रतिदिन बीमार व्यक्ति को लगाएं तो जल्द ही वह व्यक्ति भी स्वस्थ होने लगता है। मित्रों, मिर्गी या फिर हिस्टीरिया के मरीज को गुलाब जल में थोड़ा सा गोरोचन घिसकर 3 दिन लगातार पिलाने से रोग में आराम मिलता है, परंतु यह उपयोग किसी जानकार की देखरेख में ही आपको करना चाहिए। समस्त कामनाओं के पूर्ति के लिए गोरोचन को रवि पुष्य नक्षत्र में पंचोपचार पूजन करके चांदी या फिर तांबे में तवीज में भरकर अपने गले में पहन सकते हैं। इससे आपके कार्यों में आने वाली बाधाएं समाप्त हो जाएंगी और आपकी सारी मनोकामनाएं पूर्ण होने लगेंगी। मित्रों, गोरोचन की स्याही बनाकर इसे भोजपत्र पर मोर पंख के पेन से सिद्ध बीसा यंत्र लिखकर पंचोपचार पूजन करके चांदी के तावीज में भरकर अपने पास रख ले। इससे आर्थिक संकट दूर हो सकता है। मित्रों, अगर केले में गोरोचन को मिलाकर लेप बना ले और इसे अपने मस्तक पर लगाए, इससे आकर्षण की भी शक्ति पैदा होती है। तो इसके बहुत से चमत्कारी फायदे हैं, बहुत से यंत्र बनाने में भी उपयोग आता है, बहुत से बीमारियों को ठीक करने में भी उपयोग में आता है और बहुत से वशीकरण के कार्यों में भी उपयोग में लाया जाता है। तो मित्रों, अब बढ़ते हैं अपनी अगली वस्तु की ओर। तो मित्रों, अगर बात करें पारद शिवलिंग की, तो पारद शिवलिंग में भगवान शिव का निवास होता है। जिस घर में पारद का शिवलिंग होता है उस घर में तंत्र मंत्र आदि का कोई प्रकोप नहीं हो सकता। विद्यार्थियों को वृद्धि के लिए चंदन का लेप करें, ओम नमः शिवाय का जाप करने से विद्या बुद्धि और मेघा की वृद्धि होती है। स्वास्थ्य और लंबी आयु के लिए महामृत्युंजय से नियमित पूजन करने से उत्तम स्वास्थ्य की प्राप्ति होती है। घर में प्रसन्नता और शांति के लिए पारद शिवलिंग की पूजा करने से घर में खुशहाली आती है। विवाह योग्य युवक युवतियों को पारद शिवलिंग के समक्ष बैठकर विशिष्ट मंत्रों से पूजा करें और वर वधु प्राप्ति के लिए प्रार्थना करें। इससे शीघ्र मनोकामना पूर्ण होती है। व्यवसाय स्थल पर पारद शिवलिंग की स्थापना करने से व्यवसाय में निरंतर वृद्धि होती है। पारद शिवलिंग पर रुद्र अभिषेक करने से अनंत पुण्य की प्राप्ति होती है। पारद शिवलिंग की स्थापना पर महामृत्युंजय मंत्र का जाप करने से घर में धन वैभव लक्ष्मी स्वास्थ्य सदैव बने रहते हैं। और मित्रों, इसी प्रकार से आप इन सभी मंत्रों का जाप पारद शिवलिंग के समक्ष पारद की माला से कर सकते हैं। इसका चौगुना फायदा आपको देखने को मिलेगा। तो मित्रों, अब चलते हैं अपनी अगली वस्तु की ओर। तो मित्रों, अगर बात करें मच मनी की,
तो भगवान विष्णु ने भी मत्स्य यानी मछली का अवतार लिया था और इस कारण से भी मछली से संबंधित वस्तुओं को बहुत शुभ माना गया है। यह मच्छमणि सौभाग्य, व्यापार में वृद्धि, सामाजिक प्रतिष्ठा, व्यक्तित्व में सुधार, आकर्षण, अंतर्ज्ञान, यौन शक्ति में वृद्धि और ईर्ष्याओं को दूर करने में भी लाभदायक पाई गई है। जादू टोना, बुरी नजर और प्रेत बाधा से भी मच्छमणि आपकी रक्षा करती है। यदि आपके व्यापार में लगातार घाटा हो रहा है तो मच्छमणि आपको लाखों के नुकसान से बचा सकता है। घर या ऑफिस में वास्तु दोष के निवारण के लिए मच्छमणि धारण की जाती है। हमेशा बीमार जो व्यक्ति रहता है या आपको किडनी या पेट से संबंधित कोई रोग है तो भी मच्छमणि धारण करने की सलाह दी जाती है। मित्रों, कुंडली में काल सर्प दोष, केम दुर्म दोष, ग्रहण दोष, गुरु चंडाल दोष की वजह से व्यक्ति को अपने जीवन में कष्टों का सामना करना पड़ता है और यह मच्छमणि आपके कष्टों को दूर कर सकती है। मच्छमणि को पहनने से शत्रु से रक्षा होती है और दिमाग तेज होता है। धन से जुड़ी समस्याओं से भी जल्द निजात मिलती है। मच्छमणि को पहनने से राहु की अंतरदशा और महादशा से राहत मिलती है और यह मच्छमणि को राहु का प्रिय रत्न भी माना जाता है। इस तरह से मच्छमणि को पहनने से बहुत से फायदे आपको मिलते हैं और अगर आप इस मच्छमणि को सिद्ध करवाकर इसे प्राप्त करना चाहते हैं तो बेझिझक हमारे द्वारा इसको सिद्ध करवाकर धारण कर सकते हैं। तो अब बढ़ते हैं मित्रों अपनी अगली वस्तु की ओर। तो मित्रों, अगर बात करें काली हल्दी के फायदे के बारे में तो गुरु पुष्य नक्षत्र में काली हल्दी को सिंदूर में रखकर किसी लाल कपड़े में लपेट ले, फिर इसमें कुछ सिक्के भी रख दे। इसके बाद इसे धूप दीप दिखाकर धन रखने वाले स्थान या फिर तिजोरी में रख दे। ऐसा करने से धन में वृद्धि होती है। अगर जन्म कुंडली में गुरु और शुक्र की पीड़ा है और साथ ही जिसकी वजह से धन आने में रुकावटें आ रही हैं, तो ऐसे में किसी महीने के शुक्ल पक्ष के पहले गुरुवार को काली हल्दी को पीसकर इसका तिलक लगाएं। ऐसा करने से शनि और गुरु की पीड़ा से मुक्ति मिलती है और धन का आवक बना रहता है। अगर धन आकर भी आपके पास टिकता नहीं है या अनावश्यक पैसा बर्बाद होता रहता है तो इसे दूर करने के लिए शुक्ल पक्ष के पहले शुक्रवार को चांदी की डिब्बी में काली हल्दी, नाग केसर और सिंदूर मिलाकर माँ लक्ष्मी के चरणों में रख दे। इसके बाद इसे तिजोरी या धन रखने वाले स्थान पर रख दे। ऐसा माना जाता है कि ऐसा करने से जो भी आपका अनावश्यक धन का खर्चा होता है या धन टिकता नहीं है तो इस प्रकार की समस्याएं इस प्रकार का कार्य करने से शीघ्र अति शीघ्र दूर हो जाती है। तो मित्रों, और भी अधिक से अधिक फायदे हैं काली हल्दी के, तो चाहे काले जादू में लगा लीजिए, चाहे किसी तांत्रिक साधनाओं में लगा लीजिए। अब हम आगे बढ़ते हैं अपनी दूसरी वस्तु की ओर। तो मित्रों, अगर बात करें गुंजा की माला की तो लाल गुंजा की माला के लाभ के बारे में अगर मैं बात करूं सबसे पहले तो लाल गुंजा की माला और ब्रेसलेट आप दोनों ही धारण कर सकते हैं। किसी व्यक्ति को ब्रेसलेट धारण करने में आसानी होती है तो किसी व्यक्ति को माला धारण करने में आसानी होती है। तो आप चाहे ब्रेसलेट को धारण करें या माला को धारण करें, बात एक ही होती है, फर्क किसी में नहीं होता। परंतु कोई किसी व्यक्ति का कार्य ऐसा होता है कि वह ब्रेसलेट को सही से नहीं पहन सकता परंतु गले में माला को पहन सकता है तो वह माला को धारण करता है। तो सबसे पहले आप जो यह स्क्रीन पर देख रहे हैं यह लाल गुंजा की ब्रेसलेट है, यह लाल गुंजा की माला है, यह लाल और सफेद की माला है और यह सफेद गुंजा का ब्रेसलेट है। तो सबसे पहले मैं आपको लाल गुंजा के बारे में बताना चाहूंगा कि लाल गुंजा माला को अपने पास रखने से व्यक्ति को किसी भी तरह की शारीरिक हानि नहीं होती, साहस और पराक्रम में वृद्धि होती है। लाल गुंजा माला के शुभ प्रभाव से भाग्य में वृद्धि होती है, घर में सुख शांति का आगमन होता है। लाल गुंजा माला को धारण करने और इसके प्रयोग करने से धन की प्राप्ति होती है और धन आगमन के मार्ग प्रशस्त होते हैं। व्यापार में वृद्धि के लिए भी लाल गुंजा माला प्रभावकारी है। नौकरी व्यवसाय में आने वाली रुकावटें भी इस गुंजा के प्रभाव से खत्म होती है। कर्ज से मुक्ति पाने के लिए भी इस माला को अवश्य धारण करना चाहिए। तो मित्रों, यह गुण थे लाल गुंजा माला के। अब अगर बात करें सफेद गुंजा माला की तो भय नाश, अगर आप हमेशा किसी अनजान भय से परेशान रहते हैं तो सफेद गुंजा की
माला को या फिर ब्रेसलेट को अभिमंत्रित करके अपने गले में या अपने हाथ में धारण करना चाहिए। इसे पहनने से मस्तक रोग, मिर्गी, उन्माद, भूत व भय दूर होता है। और अगर ज्ञान को बढ़ाना चाहते हैं तो सफेद गुंजा को बकरी के दूध में चंदन की भांति घिसकर हथेली पर रगड़े और इससे बुद्धि आपकी तीव्र होती है। यदि इसके साथ गायत्री मंत्र की एक माला का रोज जाप किया जाए तो इसके लाभ आप समझ ही नहीं सकते कितने मिल सकते हैं। मित्रों, अगर विवाह में वर वधु दोनों लोग सफेद गुंजा की जड़ को या फिर सफेद गुंजा के ब्रेसलेट को या फिर माला को अभिमंत्रित करके अपने अपने गले में बांध ले या अपने हाथ में बांध ले, ऐसा करने से दोनों की सुरक्षा रहती है और साथ ही में प्रेम बना रहता है। मित्रों, अगर आप दुर्घटना से बचना चाहते हैं तो किसी भी शनिवार के दिन लाल और सफेद गुंजा की माला को अपने गले में धारण कर ले। इससे आपकी जो दुर्घटना है उसमें बहुत बचाव रहता है। आप खुद ब खुद उस रास्ते पे नहीं जाते जिस रास्ते पे आपका अनहित होना हो। और जिन व्यक्तियों को नींद नहीं आती, जिन लोगों को नींद की कमी रहती है, नींद में दिक्कत रहती है, वे लोग भी सफेद और लाल गुंजा माला को धारण कर सकते हैं या फिर अपने सिरहाने के नीचे अभिमंत्रित करके रख सकते हैं। ऐसा करने से भी उनकी नींद की सभी प्रकार की समस्याएं धीरे धीरे समाप्त होने लगती है। तो मित्रों, अगर आपको इससे संबंधित कोई भी समस्या है तो आप इस माला को और इस ब्रेसलेटों को धारण कर सकते हैं, परंतु सिद्ध करवा के, क्योंकि बिना सिद्ध की गई कोई भी चीज आपका वह कार्य नहीं कर सकती जो कार्य आप उस चीज से लेना चाहते हैं। तो मित्रों, अब बढ़ते हैं अपनी अगली वस्तु की ओर। तो मित्रों, अगर बात करें इस पोटली की तो यह है भैरव पोटली। यह एक विशेष कार्य के लिए सिद्ध की जाती है। जिस प्रकार से अगर आपकी मकान को, आपकी फैक्ट्री को, आपके कारखाने को, आपकी दुकान को, आपके व्यापार को अगर बुरी नजर लगती रहती है तो आप इस प्रकार की भैरव पोटली हमारे द्वारा सिद्ध करवा कर अपनी दुकान के मुख्य द्वार पर टांग सकते हैं, ताकि कोई भी गलत चीज आपके दुकान के अंदर, आपके कारखाने में, आपकी फैक्ट्री में प्रवेश न कर पाए और आपकी फैक्ट्री, आपका कारखाना हर उस बुरी नजर से बचा रहे जिस बुरी नजर की वजह से आपको घाटा देखने को मिलता है या फिर नुकसान झेलने को मिलता है। इस पोटली को आप, अगर आप कोई ड्राइवर है, आपका व्हीकल है, तो आप उसके ऊपर भी लगा सकते हैं, वहां पर भी आपको इसका फायदा देखने को अवश्य मिलेगा। तो मित्रों, बात करते हैं अपनी अगली वस्तु के बारे में। तो मित्रों, अगर बात करें हकीक की तो हकीक कई रंगों में पाया जाता है। इनमें मुख्य रंग 6 प्रकार के होते हैं। यह रंग है काला, सफेद, पीला, लाल, नीला और हरा। मित्रों, अलग अलग ग्रहों की पीड़ा से मुक्ति के लिए अलग अलग हकीक पहने जाते हैं, लेकिन एक से अधिक ग्रहों की पीड़ा की समस्या से निजात पाने के लिए इस प्रकार की मिक्स हकीक की माला पहनी जाती है, जिसमें सभी हकीक समाहित होते हैं। और मित्रों, यह भी माना जाता है कि हकीक धारण करने वालों पर भगवान शिव और हनुमान जी की विशेष कृपा होती है। मित्रों, हकीक की माला में काला हकीक साहस और सफलता का प्रतीक है। इसे पहनने वाले व्यक्ति में निडरता आती है, वह कठिन से कठिन परिस्थितियों में आसानी से पार पा लेता है। स्त्रियों को यह हकीक जरूर पहनना चाहिए। जिस प्रकार से यह आप काले हकीक के ब्रेसलेट भी देख रहे हैं, यह ब्रेसलेट भी काले हकीक के ही बने हुए हैं। मित्रों, स्त्रियों की जो समस्याएं होती हैं वह भी इस काले हकीक से दूर हो जाती हैं, चाहे वह गर्भ धारण के दौरान की समस्याएं हो, चाहे अन्य समस्याएं हो, और प्रसव के दौरान भी यह स्त्री की पीड़ा को कम कर देता है। मित्रों, काले हकीक के और भी बहुत सारे लाभ हैं। अगर एक एक करके मैं सबके लाभ बताने जाऊंगा तो बहुत देर हो जाएगी, लेकिन इस वीडियो में हम जो मुख्य लाभ है वही आपको बता रहे हैं। अब अगर बात करें इस प्रकार के सफेद हकीक की तो सफेद हकीक व्यक्ति के आत्म संयम को बढ़ाता है। इससे आत्मविश्वास बढ़ता है, आध्यात्मिकता में वृद्धि होती है और यह दिल और दिमाग का संतुलन बेहतर बनाता है, भावनात्मक और मानसिक तनाव को कम करता है। इस प्रकार से अगर आपको कोई भी समस्या है तो आप सफेद हकीक को धारण कर सकते हैं। अब अगर बात करें अपने अगले हकीक यानी पीले हकीक के बारे में, तो मित्रों, पीला हकीक हृदय की क्षमता में वृद्धि करता है, दिल की धड़कनें संतुलित होती हैं और व्यक्ति में साहस का संचार होता है। यह गले से संबंधित बीमारियों में आराम पहुंचाता है। तकिए के नीचे इसे रखकर सोने से अनिद्रा की समस्या दूर होती है।
और अच्छे स्वप्न आते हैं। अब अगर बात करें मित्रों लाल हकीक की, तो लाल हकीक उनके लिए वरदान है जो स्वास्थ्य समस्याओं से जूझते रहते हैं। मित्रों यह शरीर में रक्त का संचरण व्यवस्थित करता है, मिर्गी स्त्री रोग और त्वचा से संबंधित बीमारियों को ठीक करता है। अब अगर बात करें अपने अगले हकीक यानी हरे हकीक के बारे में, तो हरे हकीक में जबरदस्त हीलिंग प्रॉपर्टी होती है। यह दिमागी परेशानियों से आराम दिलाता है, मस्तिष्क को तंदुरुस्त और उबर बनाए रखता है। इससे व्यक्ति की निर्णय क्षमता मजबूत होती है, दृढ़ संकल्प का भाव पैदा होता है, एकाग्रता में वृद्धि होती है। अब अगर बात करें नीले हकीक के बारे में, जिस प्रकार से यह नीले हकीक की माला देख रहे हैं, तो नीला हकीक बुरे स्वप्नों से तो बचाता ही है, यह खासकर प्रेम वशीकरण और गुड लक लेके आता है। इसे पहनने से इंसान के व्यक्तित्व में चुंबकीय प्रभाव पैदा होता है, वह जिस भी व्यक्ति से मिलता है उसको अपनी ओर आकर्षित करता है। और अगर आप इन सभी की गुण अपने अंदर पाना चाहते हैं, तो आप मिक्स हकीक की माला को धारण कर सकते हैं। तो मित्रों यह थी हकीक के बारे में कुछ जानकारियां। अब चलते हैं अपने अगले सामान की ओर। मित्रों सभी शंखों में दक्षिणावर्ती शंख का विशेष महत्व है। एक तरफ जहां सभी शंखों का पेट बाई ओर खुलता है, वहीं इस शंख का पेट दाई ओर खुलता है। यह शंख दिव्य माना गया है। मान्यता है कि दक्षिणावर्ती शंख की पूजा करने से लक्ष्मी माता की विशेष कृपा प्राप्त होती है, और शास्त्रों और वेद पुराणों में दक्षिणावर्ती को महत्वपूर्ण माना गया है। पौराणिक कथा के अनुसार इस शंख की उत्पत्ति समुद्र मंथन में हुई थी। इसे माँ लक्ष्मी का भाई भी माना जाता है। कहा जाता है कि जिस घर पर यह शंख होता है, वहाँ माँ लक्ष्मी का भी वास होता है। वास्तु शास्त्र के अनुसार दक्षिणावर्ती शंख से नकारात्मक ऊर्जा भी दूर रहती है। इसी प्रकार से जो यह आप शंख देख रहे हैं, यह है माता लक्ष्मी का शंख। यही शंख दक्षिणावर्ती शंख के साथ स्थापित कर दिया जाए, तो भगवान विष्णु और माँ लक्ष्मी दोनों की भरपूर कृपा आप पर बरसती है। तो अब बात करते हैं अपनी अगली वस्तु की ओर। मित्रों ऐसे लोग जो आध्यात्मिक ऊंचाइयों को प्राप्त करना चाहते हो, उनके लिए यह माला बहुत उपयोगी है। सात चक्र माला में लगे सात रंग के मन के विशेष रूप से शरीर में स्थित सात चक्रों के जागरण को प्रेरित करते हैं। इसी उद्देश्य को ध्यान में रखकर इस माला को अभिमंत्रित किया जाता है। यह अभिमंत्रित सात चक्र माला शरीर के सात चक्रों का संतुलन बनाए रखती है, जिसमें परिणाम स्वरूप शरीर निरोगी बनता है। मित्रों सबसे पहले इसे शुभ मुहूर्त में अभिमंत्रित करें और अपनी संपूर्ण मनोकामना के साथ इसे धारण करें। रोज सुबह इस माला को धारण कर ध्यान लगाने से आपके लिए कुछ भी असंभव नहीं रहेगा। आप वह सब प्राप्त करेंगे जिसकी आपको कामना होगी। तो मित्रों बात करें अगर लाल मूंगा माला के फायदे के बारे में, तो ज्योतिष शास्त्र की माने तो मूंगे की माला धारण करने से आत्मविश्वास साहस और पराक्रम में वृद्धि होती है। माना जाता है कि सुहागिन महिलाएं अगर मूंगे की माला धारण करती हैं, तो उनके पति की सेहत अच्छी रहती है, उनका संकट दूर होता है, साथ ही हनुमान जी परिवार की रक्षा करते हैं। मित्रों हालांकि मूंगे की माला को धारण करने से पहले हनुमान जी मंदिर में पूजा करने की सलाह दी जाती है। ज्योतिष शास्त्र के मुताबिक मूंगा का संबंध मंगल ग्रह से है, ऐसे में इसे मंगलवार को धारण करना अच्छा रहता है। और कहा जाता है कि मूंगे की माला को धारण करने से पहले, जिस प्रकार से मैंने आपको बताया कि हनुमान जी की आप पूजा कर सकते हैं या फिर भगवान शिव और श्री राम की पूजा कर सकते हैं, उससे भी आपको उतना ही लाभ मिलता है। पूजा के बाद इसे गंगा जल से धोकर आपको स्वयं धारण करनी चाहिए। और इसको धारण करने के बाद ध्यान रखें कि मांस मदिरा का सेवन बिल्कुल बंद कर देना चाहिए। तो मित्रों यह थी लाल मूंगे की माला। अब बात करते हैं अपनी अगली माला की। मित्रों अगर बात करें एमिथिस्ट की माला की, एमिथिस्ट को जामुनिया भी कहा जाता है या कटेला भी कहा जाता है, और यह रत्न मकर राशि के लोगों के लिए बहुत ही लाभकारी होता है। मेष कर्क सिंह वृश्चिक राशि के लोग भी यह रत्न धारण कर सकते हैं या इसकी माला को धारण कर सकते हैं। मित्रों एमिथिस्ट को धारण करने से शनि के दोषों से मुक्ति मिलती है और शनि के गलत प्रभावों से छुटकारा मिलता है, और पहनने वाले व्यक्ति को धन सम्मान और अच्छी सेहत मिलती है। जो जातक किसी भी निर्णय पर पहुंचने से पहले ही हार मानते हैं, ऐसे लोगों को एमिथिस्ट की माला अवश्य धारण करनी चाहिए।
यह माला जातक को काम के प्रति मेहनती बनाती है और जातक अपनी नैतिक जिम्मेदारी को समझता है। और अगर आप शनि के किसी मंत्रों का जाप कर रहे हैं तब भी आपको एमेथिस्ट की माला से वह जाप करना चाहिए। आप स्वयं देखेंगे कि कितनी जल्दी आपको उसका लाभ मिल रहा है। मित्रों, एमेथिस्ट धारण करने से कार्य क्षेत्र में भी प्रगति होती है क्योंकि यह निर्णय लेने की क्षमता को बढ़ाता है। अगर आप किसी नशे की लत से छुटकारा पाना चाहते हैं तब भी आपको यह माला धारण करनी चाहिए क्योंकि यह आपकी लत को छुड़वाने में आपका दुगना सहयोग करती है। जिस भी व्यक्ति का ध्यान नहीं लगता, अपना जो भी पूजा पाठ वह करता है उसमें मन नहीं लगता, उसके लिए भी एमेथिस्ट की माला को धारण किया जाता है क्योंकि यह आपकी एकाग्रता की शक्ति में वृद्धि करती है। तो मित्रों, और भी बहुत सी खूबियां हैं इस माला में। अगर सारी खूबियां मैं बनाना चाहूंगा तो वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी, परंतु अब बढ़ते हैं अपनी अगली वस्तु की ओर। तो मित्रों, अगर बात करें वैजयंती माला धारण करने की, तो वैजयंती माला धारण करने से मन शांत होता है, मन में आ रहे नकारात्मक भाव समाप्त होते हैं। वैजयंती माला धारण करने से धन लाभ बना रहता है। वैजयंती माला धारण करने से विवाह शीघ्र होता है और इसे धारण करने से आपका क्रोध भी शांत होता है। तो बहुत से फायदे हैं वैजयंती माला को धारण करने के और इसको वशीकरण के लिए भी सिद्ध किया जाता है। अगर आप वशीकरण के लिए सिद्ध करवाना चाहते हैं तो बेझिझक हमारे नंबर पर संपर्क करके इसको अपने लिए सिद्ध करवा सकते हैं। तो बात करते हैं अपनी अगली वस्तु के बारे में। मित्रों, इस वस्तु का नाम मैं इस वीडियो में नहीं लूंगा। जिस भी व्यक्ति को इसकी पहचान है वह पहचान सकता है कि यह वस्तु कौन सी है। और अगर वह वस्तु हमारे द्वारा प्राप्त करना चाहते हैं, दीपावली की रात्रि इसको सिद्ध करवाना चाहते हैं, तो हमारे द्वारा इसको सिद्ध करवा के प्राप्त कर सकते हैं। तो मित्रों, अगर बात करें चंदन की माला की, तो चंदन की माला दो प्रकार की होती है, लाल चंदन और सफेद चंदन। मित्रों, इन दोनों तरह के चंदन की माला का अपना अपना अलग महत्व माना गया है। जहाँ सफेद चंदन की माला से भगवान श्री राम, विष्णु, कृष्ण, दत्तात्रेय भगवान का मंत्र जाप किया जाता है, तो वहीं लाल चंदन की माला से श्री गणेश, दुर्गा, लक्ष्मी, त्रिपुर सुंदरी माता के मंत्रों का भी जाप किया जाता है। तो मित्रों, उम्मीद करता हूँ चंदन की माला की जानकारी आपको प्राप्त हो गई होगी। अब बढ़ते हैं अपनी अगली वस्तु की ओर। मित्रों, अगर बात करूं मोती की माला पहनने के फायदे के बारे में, तो यह माला अगर किसी भी व्यक्ति का कुंडली में चंद्रमा खराब चल रहा हो, नकारात्मक प्रभाव दे रहा हो, तो उसको धारण करनी चाहिए अभिमंत्रित करके। अगर अभिमंत्रित माला धारण की हुई हो तो यह जीवन साथी में प्यार, स्नेह और विश्वास भी पैदा करती है। मोती की बनी माला मानसिक स्थिरता को बढ़ावा देती है। मित्रों, यह मोती की माला महिलाओं के लिए कई तरह की बीमारियों को दूर करने में विशेष रूप से फायदेमंद है। इससे पति पत्नी के रिश्ते में सुधार आता है। मित्रों, मोती से बनी माला पहनने से रचनात्मकता, कला और संगीत के व्यवसाय के लिए बहुत लाभकारी सिद्ध होती है। अब बात करते हैं अपनी अगली वस्तु के बारे में। तो मित्रों, अगर बात करें तुलसी की माला की, इससे ब्लड प्रेशर और डाइजेशन में बेहतर होता है। और मित्रों, बहुत सी ऐसी बीमारियां हैं जो तुलसी की माला धारण करने से खत्म हो जाती हैं। और बहुत से ऐसे मंत्र जाप हैं, जैसे भगवान कृष्ण का मंत्र या फिर भगवान विष्णु का मंत्र, जो कि तुलसी की माला से जपा जाता है। अब इस प्रकार की माला हो गई, हल्दी की माला हो गई, वैजयंती माला हो गई, इससे आप साधारण से मंत्रों का भी जाप कर सकते हैं, जैसे ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः, ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः, ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। इस प्रकार के मंत्रों का जाप भी आप तुलसी की माला से कर सकते हैं और प्रभु श्री राम के मंत्रों का जाप भी आप तुलसी की माला से अवश्य कर सकते हैं। तो मित्रों, अब बात करते हैं अपनी अगली वस्तु के बारे में। तो मित्रों, आज के लिए इतना ही। आपको और आपके परिवार को हमारे समस्त परिवार की ओर से होली की हार्दिक शुभकामनाएं। होली आप और आपका परिवार काफी अच्छे से मनाएं और भगवान शिव की कृपा इसी प्रकार से आपके ऊपर बनी रहे। तो मित्रों, अगर आप कोई भी सामग्री हमारे द्वारा जो इस वीडियो में दिखाई गई है लेना चाहते हैं, तो हमारे व्हाट्सएप नंबर पर बेझिझक संपर्क कर सकते हैं। हम फिर मिलेंगे आपसे किसी अन्य वीडियो में, किसी अन्य जानकारी के साथ, किसी अन्य उपाय, किसी अन्य टोटके के साथ। तब तक के लिए आप सभी मित्रों से इजाजत चाहते हैं। ओम नमो नारायण, ओम नमो नारायण, ओम नमो नारायण।